देखो, और वहाँ पे जो है बंजी जंपिंग का है। अबे अबे, वो और भी पतला होता तो भी तुम निकल जाते, इतने पतले हो। इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे इज्जत देना। क्या ही मस्त हाईवे, और मौसम भी देखो क्या ही मस्त हो रहा है, बट आगे काला काला हो गया है पूरा। बारिश देखो इतनी जोर से, और अमित भाई का पैंट पूरा भीग चुका है। ये देखो, अरे अभी तो पहन लो। अब पहने क्या जब भीग चुका है पूरा, जो पूरे भीग गए और एकदम से स्टार्ट हुई बारिश। अरे प्रॉब्लम बताए क्या हो गई, यहाँ पर ना कहीं शेड भी नहीं था, कोई एक बड़ा सा पेड़ भी होता ना तो चल जाता, काम हो जाता, बच जाते, ना पेड़ था ना शेड थी, और इतनी ही तेज बारिश एक साथ आ गई। ये रहा भाई अपना ब्रेकफास्ट, अमित भाई वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल, और ऐसा कुछ व्यू है। यहाँ बैठते हैं, ये देखो क्या ही मस्त व्यू। ब्रेकफास्ट हो गया, और टॉप फ्लोर से देखो ऐसा कुछ व्यू है, पूरी सिटी यहाँ से दिखती है। तो अभी अमित भाई की बाइक देंगे सर्विसिंग में, और फिर चलेंगे घूमने। चलो चलो चले लेक। देखो भाई क्या ही मस्त, बीच में जो है होटल है, ये जो है पूरा वहाँ पे जो दिख रहा है आपको पूरा होटल है यहाँ पे, और मेन जो है वो वहाँ पे, बट वहाँ पे जो है भीड़ होगा, इसलिए जो हमने कहा कि पहले यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं आपसे, फिर आगे चलेंगे। बोटिंग वोटिंग भी होती है, बोटिंग करेंगे मस्त यहाँ पे। वहाँ पे देखो एक बोट है, तो बोटिंग करेंगे, स्पीड बोटिंग नहीं करेंगे, नॉर्मल जो है वो करेंगे, उसमें मज़ा आएगा। स्पीड में तो क्या, स्पीड में पूरा घुमा देती है, और एक दो मिनट का ही होता है, तो वो फायदे का है नहीं। हम जो नॉर्मल बोटिंग करेंगे मस्त, है ना अमित भाई, नॉर्मल बोटिंग करेंगे। हाँ, पैडल वाली करेंगे, पैडल वाली, उसमें मजा आएगा। सारा सामान जो है वो बांध दिया है यहाँ पे भी, तो निकलने के लिए तैयार है। बाकी जो है उदयपुर गए घूम के, फतेह सागर लेक गए, बाकी उदयपुर में जितने भी अच्छे अच्छे प्लेसेस है एक दो देखी, ज़्यादा तो देखी नहीं क्योंकि धूप इतनी है। जब अभी जो है बारिश का मौसम है तभी भी जो है इतनी धूप गिर रही है, तो अभी चलते हैं। आज जाने वाले हैं पहले तो नाथद्वारा, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति है, उसके बाद जो है आगे जाएंगे मेरे गांव, जो कि मैं बताऊंगा आपको। चलो करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट, लेक बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली। ओहो, राजस्थान में बारिश का मौसम चल रहा है, फिर भी गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी तो 12 महीने रहेगी, बस विंटर छोड़ के बाकी दोनों सीजन में गर्मी तो रहेगी। क्या हो गया? थैंक यू। हमें जाना है लेफ्ट,
अभी हम जा रहे हैं नादवारा। नादवारा में जो है इंडिया की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति है, तो वो देखेंगे, उसके बाद चलेंगे मेरे गांव और वहां पे रेस्ट करके कल निकलेंगे जोधपुर के लिए। बाकी ही यह पहाड़ देखो, ऐसे 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 देखो, पूरा जो है काफी मस्त लग रहा है। अच्छी खासी बरसात हुई है राजस्थान में अभी। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है रोड का। वैसे राजस्थान के रोड बहुत सही है, बहुत अच्छे रोड्स हैं, क्योंकि जब मैं स्पीति गया था तब भी जो है जैसे ही हम राजस्थान में एंटर हुए थे भाई, डिस्टेंस इतना जल्दी कवर हुआ था क्योंकि वहाँ के रोड मतलब राजस्थान के रोड अच्छे हैं बहुत, क्योंकि जो है रोड अच्छे थे। और ये बार भी जो है राजस्थान में मज़ा आएगा, अब तो अपनी पूरी ट्रिप जो है वो राजस्थान की है, तो मज़ा आ जाएगा। जैसलमेर चलेंगे, वहाँ आपको डेजर्ट दिखाएंगे, डेजर्ट। ये देखो टनल, सिटी ऑफ लेक्स, वाव। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, मतलब जिसको नहीं पता बता रहा हूँ। काफी मतलब सुंदर शहर है उदयपुर। देखो बहुत बड़ी मूर्ति है, और वहां पे जो है बंजी जंपिंग भी है, अगर किसी को पसंद है तो बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। काफी वहां पे दिख जाएगा आपको, साइड में ही जो है पूरा वो खड़ा कर रखा है। वो देखो, और वहाँ पे जो है बंजी जंपिंग का है। अबे वो और भी पतला होता तो भी तुम निकल जाते, इतने पतले हो। इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे इज्जत देना बंद कर रहे हो। इज्जत कहाँ देना बंद कर रहा हूँ, इज्जत नहीं देता हूँ तुम्हें। तो हम जो है अंदर नहीं गए, और अंदर नहीं जाने के दो रीज़न है। एक तो ये कि मूर्ति के जो है अंदर भी जा सकते हैं हम लोग, और वो एक अच्छा नहीं रहेगा हम शूज़ पहन के जो है मूर्ति के अंदर ऊपर चढ़ेंगे, तो वो जो है एक अपमान जैसा होगा, इसलिए हम लोग जो है नहीं गए। और दूसरा रीज़न तो वही कि मतलब फालतू में क्यों ही एंट्री फ़ी देना, ऊपर से शूज़ पहन रखे थे हमने तो हम लोग नहीं गए। मौसम देखो बारिश वाला हो रहा है, और एक दो बूंदे गिरी है, लगता है आगे बारिश आएगी, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। ऐसे धूप तो आई है बट भरोसा नहीं, धूप में भी बारिश आ गई थी कल तो। राजस्थान में आपको जो है मार्बल्स के जो फैक्ट्रीज है वो बहुत दिखेंगे। यहाँ पे देखो सब जो है ये मार्बल है, पूरे मार्बल की शॉप है, ये सब मार्बल जहाँ पे कट होता है, शेप वगैरह देते हैं, सब जो है आपको दिख जाएगा। और पूरी मतलब लाइन से अगर आप देखोगे तो मार्बल्स की शॉप है। भिलवाड़ा 96, अजमेर 277,
अपना गांव है 32 किलोमीटर। क्या ही मस्त हाईवे है और मौसम भी देखो क्या ही मस्त हो रहा है, बट आगे काला काला हो गया है पूरा। बहुत ही डेंजर वाली बारिश आने वाली है पक्का। तसोल आमेट हमें जाना है आमेट की ओर, तो अंदर जाना पड़ेगा। क्या ही मस्त मौसम हुआ है बट, और यहाँ पे गौ माता ने जो है रास्ता घेर लिया है। अरे 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 क्यों गुस्सा कर रही हो, बस जा ही तो रहा हूँ थोड़ी। अरे 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 मुझे लगा ही था। बारिश देखो कितनी जोर से, और अमित भाई का पैंट पूरा भीग चुका है ये देखो। अरे अभी तो पहन लो, अब फायदा क्या जब भीग चुका है पूरा जो है पूरे भीगे, और एकदम से स्टार्ट हुई बारिश। अरे प्रॉब्लम बताए क्या हो गई, हाँ। यहाँ पर ना कहीं शेड भी नहीं था, कोई एक बड़ा सा पेड़ भी होता ना तो चल जाता, धीरे धीरे घर चलो। हाँ। रास्ता पता है घर चलो। हाँ SMS में बिजली गिरने की भी संभावना पहले तो तुम्हारे बाइक से गिरेगी और तुम पे गिरेगी भाई बहुत तेज, ये देखो तूफान वाली बारिश है और एकदम से स्टार्ट हो गई। अब जो है बारिश आने से पहले जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि पता नहीं है कब फिर से स्टार्ट हो जाए। गोप्रो जो है वो अंदर रखना पड़ता है यार, अब वाटर प्रूफिंग जो है की नहीं है, कर सकता है कल की थी हमने, बट फिर जो है बारिश रुक जाती है और वो हम निकाल देते हैं। कंटिन्यू अगर बारिश हो तो लगा के ही रखें हम, ताकि स्पीड ब्रेकर आए है। ऊपर से नीचे सब गीला हो गया। गांव में तो लोग जो है जल्दी खाना खा लेते हैं सो जाते हैं, तो हम भी ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। यहाँ देखो फॉग लाइट का अच्छे से यूज़ हो रहा है, बिल्कुल जो है अंधेरा है बट फॉग लाइट की वजह से सब दिख रहा है। ये लो पहुंच गए ऑलमोस्ट गांव के अंदर।